गाजा पट्टी के अल अंसार मस्जिद पर बमबारी, इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। इजरायल का कहना है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमास के आतंकवादी कर रहे थे। इजरायल के हमले में अब तक गाजा में ही 4385 मौत हो चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सुबह सवेरे 7 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सूचना मिली थी कि मस्जिद में हमास के आतंकवादी बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। हमास आतंकियों पर IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स और ISA के ज्वाइंट स्ट्राइक का एक वीडियो सामने आ गया। और देखिए, ये मस्जिद के अंदर की तस्वीरें हैं, किस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया इस मस्जिद पर। इजरायल का दावा है कि इसमें आतंकवादी थे और योजना बना रहे थे हमले की, और आतंकियों के पास से बरामद गोला बारूद की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये देखिए जरा तस्वीर, मस्जिद के अंदर की तस्वीर, और मस्जिद में की जा रही थी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग कोशिश और खून खराबा करने की योजना तैयार हो रही थी। तो जंग में गाजा में ही अब तक 4385 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसी बीच इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया है गाजा की अल अंसार मस्जिद पर बमबारी। मस्जिद के अंदर की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो आपको दिखा रहे हैं, और इस मस्जिद से इसराइल का कहना है कि गोला बारूद भी बरामद किया गया है और इसराइली फोर्सेस ने मोर्चा संभाला। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मस्जिद में की जा रही थी आतंकी हमले के साजिश, और मस्जिद के अंदर के आतंकवादियों का गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। सारा सामान जो है आपको बिखरा हुआ नजर आ रहा है, और किस तरह से तैयारी चल रही थी ये तस्वीरें हैं। इसराइल ने इस वीडियो को शेयर किया है। लगातार इसराइल दुनिया के सामने गाजा में हमास के आतंकी किस तरह से खून खराबे की योजना तैयार कर रहे हैं उसका वीडियो, उसका सबूत साक्ष्य दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसराइल ने कल एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें तमाम गोला बारूद, अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा दिखाया गया था जो इसराइल के फोर्स के अब कब्जे में है और आतंकवादियों से ही बरामद किया गया था। आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर, देखिए किस तरह से ये मस्जिद के अंदर की तस्वीरें हैं। जब अटैक किया गया तो सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, और इसमें गोला बारूद से लेकर किस तरह से पेट्रोल बम, सब कुछ तैयारी चल रही थी योजना आतंकी वारदात को अंजाम देने की। लेकिन उसके पहले मस्जिद में छुपे थे हमास के जो आतंकी, इसराइल का दावा है उन्होंने एयर स्ट्राइक करके इससे नेस्तनाबूद कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं वॉर जोन से। तो गाजा पट्टी के अल अंसार मस्जिद पर बमबारी किया है इसराइल ने, इसराइली सेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। इसराइल का कहना है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको।